अमरपाटन से मंगलवार को दो आपराधिक मामले सामने आए, जिसमें तीन बदमाशों ने दुकानदार पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी से अवैध शराब जब्त की है। अमरपाटन के ग्राम बारी मोड़ पर बीती रात सड़क किनारे लगी दुकान पर तीन बदमाश पहुंच गए और उन्होंने दुकानदार राम सुशील तिवारी से मारपीट की और उसके सर पर डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे दुकानदार के सर पर गंभीर चोटें आईं। घटना की शिकायत पीड़ित ने थाने पहुंचकर की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तीन जने रात के दुकान में आए मुंह बांध के, ठीक लपट पड़े दो जने, एक मुंह पकड़ के अंगूठी पकड़ के खींचन तो वहाँ लाले आदिवासी रहा, दूजन का नहीं हुआ करे पायन, इतने डंडी ले रहे हैं, राजवा श्री सब उठा ले गए हैं, बड़ा नुकसान मधु 3000 का अपना से बताई हमारी नहीं है। और फिर जहाँ बच्चियों का बिटियन का अन के मोबाइल से ग्राहक लोगों से आगे तो उनसे फोन करान तब तक माँ भाग ले। दूसरा मामला ग्राम पौड़ी खुर्द का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर के पास बनी झोपड़ी में छापेमारी कर आरोपी महेंद्र लोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 200 क्वार्टर देसी व 140 क्वार्टर अंग्रेजी शराब जब्त की। वहीं पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।